बहनों के लाडले भैया लीडिंग टैली में नजर। देखिए मध्य प्रदेश में रुझानों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत। सबसे बड़ा सरप्राइज दे रहा है छत्तीसगढ़, वहां पर भी कमाल हो गया है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। अब हम देख रहे हैं कि 162 सीटें रुझानों में काफी बड़ा डिफरेंस है। ये सबसे पहला नतीजा न्यूज 18 पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। लगातार पल पल का अपडेट आपको हम दे रहे हैं, सुबह से ही नतीजे रुझान हम आपको दिखा रहे हैं। रुझान लगातार हमने दिखाए किस तरह से बीजेपी बढ़त लगातार बनाए हुए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। सबसे पहले हम बात बड़ी खबर किस वक्त करेंगे। 2013 के बाद अलग स्थिति इस बार नजर आई। बीजेपी 167 सीटों पर आगे चल रही है, 62 सीटों पर सिमटी है कांग्रेस। तो बड़ा अंतर इस बार देखा गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बंपर जीत दर्ज की गई है। नतीजे अब आ चुके हैं, कई सीटों पर हमने देखा बहुत ज्यादा बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और 2013 के बाद बीजेपी की यह सबसे बड़ी जीत है ऋतु, और 167 सीटों पर आगे चल रही भारतीय जनता पार्टी। एक इतिहास एक बार फिर से यहां पर बदला है या दोहराया है, ये जनता तय करे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की यह बंपर जीत, हालांकि अभी कुछ सीटों पर रिजल्ट क्लियर होना बाकी है, लेकिन जो अंतर बनाकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ रखा हुआ है, वो अंतर मुझे लगता है कि ऋतु अभी यहां पाट पाना कांग्रेस पार्टी के लिए काफी मुश्किल हो चला है। आशीष, बड़ी बात हम ये देख सकते हैं कि ये पूरे चुनाव में हमने देखा कि कितनी भी बड़ी बड़ी बातें की गई, चेहरों पर खेलने की बातें की गई, पर चेहरा काम नहीं आया। कांग्रेस ने इसी भरोसे चुनाव लड़ा कि शायद छत्तीसगढ़ में भी चेहरा बीजेपी में नहीं रखा है, छत्तीसगढ़ में भी रखा है, मध्य प्रदेश में भी रखा है, हल्के में सारी चीजें ली, पर वो भारी बढ़ गई आशीष। बिल्कुल, और दावे मुद्दे कहीं ना कहीं हावी रहे, और लाडली बहना योजना जिस तरह से हावी रही, बहनों ने खुलकर प्यार लुटाया मामा पर। ऋतु चूंकि स्वयं महिला है इसलिए महिलाओं की बात उन्होंने छेड़ दी है, और ये स्टैटिस्टिक्स में भी वो आंकड़े नजर आ रहे हैं जो कि महिलाओं के प्रति जो कार्ड यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक सहानुभूति का खेला, लगातार महिलाओं के हित में योजनाएं चलाई, जैसा कि ऋतु ने जिक्र किया, लाडली बहना योजना का जिक्र किया उन्होंने, लाडली लक्ष्मी योजना है, और इसके अलावा जो केंद्र सरकार बिल लेकर आई महिलाओं के हित में, स्टैटिस्टिक्स में ऋतु देखिए वो स्थिति बिल्कुल नजर आ रही है। इसके जरिए भी दर्शकों को दिखा देते मध्य प्रदेश की स्थिति की अगर हम बात करें, 2018 की हम बात करें 114 सीटें, और इसके बाद 62 सीटों पर इस वक्त सिमटती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 109 सीटों पर 2018 में थी, तो 2023 में 167 सीट लेकर अभी यहां पर आगे बढ़त बनाए हुए ऋतु। लेकिन अभी अगर बात करें मुद्दे दावे सब पीछे रह गए हैं, इस वक्त सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, मोदी मोदी। हर कोई श्रेय जो है वो मोदी को दे रहा है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी नारा जो है नारा लगाया था शुरू से ही, और वो नारा कहीं ना कहीं धरातल पर हमें देखने को मिला। और मोदी पर भरोसा, जो मोदी ने खुद भी कहा था मोदी पर भरोसा है जनता को, वो भरोसा कहीं ना कहीं दिखा दे जिस तरह की बंपर वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ का स्टैटिस्टिक्स है, और इसमें जो 2018 में 68 सीटों के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी वो अब ऋतु 34 पर सिमटती नजर आ रही है। हाँ, वही ये तस्वीर बीजेपी की भी हम आपको दिखा दें। यहाँ पर 40 प्लस की बात की गई, हम 2018 की बात करें 15 कहीं ना कहीं नजर आई थी, 2023 की हम बात करें तो यहाँ पर 55 सीटें जी नजर आ रही है, बढ़त बनाती हुई लगातार बीजेपी अब नजर आ रही है। और फायदा देखिए यहां पर नुकसान कांग्रेस पार्टी को 34 का हुआ है, और 34 सीटें कांग्रेस के हाथ से गई है ऋतु, जबकि 40 सीटें प्लस में बीजेपी यहां नजर आ रही है। यहां पर यह फैक्टर हम मान सकते हैं कि जैसा भरोसा जताया गया कि दिग्गजों को मैदान में उतारा जाए, दिग्गजों का असर तो साफ तौर से देखा ही गया, पर हम जिस तरह से पहले जिक्र कर रहे थे कि शायद फ्रंट पर नहीं लाया जाएगा, इसे भी बड़ी खबर। 55 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 55 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 34 सीटों पर कांग्रेस सिमट चुकी है। ये बड़ा अपडेट उस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अन्य के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है, पिछली बार हमने देखा था अन्य के खाते में
ज्यादा सीटें आई थी, पर इस बार नहीं है, इस बार भरोसा नहीं जताया गया। इस बार छत्तीसगढ़ में बड़ा उलटफेर हुआ है, जैसा कि रितु बता ही रही हैं, और 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है, जिसमें से कई सीटों पर अब मैंडेट क्लियर भी होता नजर आ रहा है। और लगातार इस सीट को लेकर के, इन बातों को लेकर के जो अपडेट्स आ रहे हैं वो तो हम आप तक पहुंचा ही रहे, लेकिन इस बार की जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी हम आपको बताते चले। स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, ये छत्तीसगढ़ की स्टैटिस्टिक्स है। 68 सीटें 2018 में जीती थी कांग्रेस पार्टी ने, जबकि 2023 की जो तस्वीर है वो काफी बदल चुकी है। 34 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, और 34 सीटों का ही नुकसान कांग्रेस पार्टी को यहां हो रहा है। वहीं बीजेपी ठीक ये ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखाएंगे, अपडेट देंगे। सीधे इस वक्त रटकर रुक करते हैं, वहां से क्या अपडेट है। सहयोगी अवंतिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अवंतिका, ओवर टू यू। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, पहले वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। आपका बहुत बहुत स्वागत प्रजातंत्र के इस मुकाबले में। हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है, और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारे अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, और कृषि क्षेत्र में मजबूती आ, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है वो उस पर खड़े उतरेंगे, और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे। आज हमारी दूसरी उम्मीद थी, मैंने हमेशा कहा था कि मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, वो आज भी करता है। मैंने पिछले एक महीने से कह रहा हूं मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं। मेरे से जब आप पूछते थे कि कितनी सीटें आएंगी, मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूं, आज भी मैं विश्वास करता हूं, और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। हम इस पर विचार करेंगे कि क्या हमें कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। हर उम्मीदवार से चर्चा करके, वो हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, हम उनसे चर्चा करेंगे अगले कुछ दिनों, और उस चर्चा के बाद हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। ये सब तो अब एक दिन और। थैंक यू। मंत्री कमलनाथ को आप सुन रहे थे, और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी वहां पर मौजूद थे, जो दम भर रहे थे 130 से ऊपर सीटों का। हालांकि बीजेपी की जीत जो हुई है, ऐतिहासिक जीत हुई है, उस पर बधाई देते हुए कमलनाथ नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनता का यह फैसला है, हम स्वीकार करते हैं। और बड़ी खबर इस बीच, अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव चुनाव हार गए, इस वक्त की बड़ी खबर। ये बहुत बड़ी खबर है, 157 वोटों से टीएस सिंहदेव चुनाव हार गए। महज 157 वोट कर रहे थे अंबिकापुर सीट से चुनाव लड़ने के दौरान। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो फिर आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य भी नहीं बचता। 157 वोटों से मात्र ये हार हुई है। बड़ी सीट अंबिकापुर की सीट, सभी की निगाहें थी, डेप्यूटी सीएम है, और कहीं ना कहीं सीएम की रेस में भी लंबे वक्त से चल रहे थे, और उनका साफ तौर से कहना है कि अगर सीएम नहीं बना तो चुनाव लड़ने का मतलब क्या। पर यहां पर तो वो चुनाव ही हार गए, महज 157 वोट से। अवंतिका लगातार रट से हमारे साथ जुड़ी हुई है, पल पल का अपडेट हमें दे रही है। अवंतिका, ओवर टू यू।
ऋतु, हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भले ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनती हुई नजर आ रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता है जो लगातार चौंकाने का काम कर रही है। टीएस सिंहदेव का आपने जिक्र किया, लगातार उन पर हम नजरें बनाए हुए थे, किस प्रकार वो कहीं ना कहीं ट्रेल पर थे और 157 वोटों से महज हारना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि बहुत प्रमुख चेहरा माने जाते रहे। लगातार इस बात का जिक्र था कि टीएस सिंहदेव तो चलिए जीत जाएंगे, बहुत लोकप्रिय चेहरा है, बहुत सीधे साधे व्यक्ति है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ ओपी चेहरे जो आते हैं और चुनाव हारते हुए नजर आए हैं, कमल पटेल का नाम सामने आता है इसमें, हरदा से हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन चुनाव हार चुके हैं। तुलसीराम सिलावट दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। कुछ और महत्वपूर्ण नाम, गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष रहे, कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, लाहौर में दम भरे थे, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव हार गए। छत्तीसगढ़ के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उन तमाम वीआईपी सीटों पर हम नजरें बनाए हुए थे। चरणदास महंत का जिक्र है, वो चुनाव जरूर जीत चुके हैं, लेकिन शिव कुमार डहरिया जो लगातार भूपेश बघेल के साथ हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको साथ खड़े नजर आएंगे, लगातार कांग्रेस को लेकर लगातार सक्रिय थे और अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी आश्वस्त थे, लेकिन इसके बाद आप ये देखिए कि किस प्रकार आंकड़े उलटफेर दिखाते हैं। कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस इसे आप कहिए या भारतीय जनता पार्टी का मोदी मैजिक, अमित शाह का मैजिक आप कहिए, लगातार इसे आपको हम अपडेट कराएं। गुलाब कमरो वो भी चुनाव हार चुके हैं, ननकीराम कंवर चुनाव हार चुके हैं, ये वो प्रमुख चेहरे हैं जिन पर पार्टी की जिम्मेदारी होती है। जब वो अपनी सीट पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तब आप कैसे कांग्रेस पार्टी को लीड करवा सकते थे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल था। बड़ी बात ये भी है कि कैसे पार्टी ने चेहरों पर सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, अंबिकापुर बहुत बड़ी सीट, हॉट सीट, टीएस सिंहदेव का हार जाना बहुत बड़ी बात है, वो भी महज कुछ ही वोटों से, क्या माने इसके पीछे फैक्टर आखिर, क्या जो गुटबाजी चल रही थी, ढाई ढाई साल का फॉर्मूला चल रहा था या जो बयानबाजी चल रही थी इतने वक्त से, मनमुटाव चल रहा था, ये मेन वजह माने। ऋतु हम लगातार ये देख रहे थे, अपनी रिपोर्ट पर कांग्रेस को भरोसा था, टीएस सिंहदेव भी खुद ये टीएस बाबा इस बात का जिक्र कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी टक्कर में है और कोई उन्हें चौंकाने वाली बात नहीं होगी अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल भी करती है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी खुद की सीट को लेकर तो कहीं ना कहीं आश्वस्त थे सभी। अब आप ये कहिए कि मोदी मैजिक है या फिर खेला इस बार जनता ने खेला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर आप देखेंगे वो प्रमुख चेहरे जो कि अडिग थे, सालों से विधायकी करते आ रहे थे, सालों से केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, इसके बावजूद इतने बड़े चेहरे होने के बावजूद अपनी अपनी सीट से चुनाव हारते हैं, बहुत महत्वपूर्ण समीकरण। और मुझे लगता है कि इसके बाद कई सारे बदलाव हुए पार्टी में। ताजा आंकड़े आए हों आपके रेड सेंटर में, अभी क्या वो डिटेल्स हैं हमारे दर्शकों के लिए बताइए, अभी किन सीटों पर क्लैरिटी आई है, रुझान? एक और बड़ी अपडेट आशीष रोकना चाहूंगी, जीतू पटवारी को लेकर जानकारी है, वो भी चुनाव हार गए हैं। जीतू पटवारी का आपको जिक्र याद होगा, वो कह रहे थे 135 से 155 सीटें कांग्रेस पार्टी लाने वाली है, लेकिन खुद ही राव विधानसभा सीट वो हार के बैठ गए हैं। बड़ी बात यह कि लीडिंग को लेकर भी आपको जानकारी हम दे देते हैं, कई ऐसी सीटें जहां पर छत्तीसगढ़ में कुछ प्रमुख चेहरे अभी भी लीड बनाते हुए नजर आते हैं। इंदर साव कांग्रेस की तरफ से लीड कर रहे हैं, पामगढ़ पर भी, जांजगीर चांपा, महासमुंद की तमाम ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ऐतिहासिक आंकड़े हासिल किए गए हैं उनपे पार पाना कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल होने वाला है। ठीक, अवंति का लौटते हैं। आशीष, ये गौर करने वाली बात है, जीतू पटवारी युवा हैं, युवा चेहरा हैं, मुखर रहते हैं, लोगों के बीच में पहुंचते हैं, अपनी बयानबाजी की वजह से सुर्खियों में भी लगातार बने रहते हैं, और इस तरह से पिछड़ जाना और कॉन्फिडेंस के साथ, जो आपने अभी जिक्र किया तो मुझे याद आता है अवंतिका, वो हमारे साथ जुड़े थे जब हम एग्जिट पोल के नतीजों को दिखा रहे थे 30 तारीख की, वो तारीख भी जीतू पटवारी जी को भी याद होगी, तो इसी चैनल पर, इसी मंच पर उन्होंने दावा किया था कि 135 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन जीतू पटवारी चुनाव हार गए हैं, ऐसी जानकारी अवंतिका भी हमें दे रही है। अभी अभी जो मैंडेट है वो क्लियर हुआ है इस सीट पर कि जीतू पटवारी चुनाव हार गए हैं, कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा, कांग्रेस पार्टी का युवा चेहरा। आखिर उन्होंने क्या कहा था? मेरा परिवार है तो फिर है, हमारे साथ में जीतू पटवारी थे, उन्होंने कहा है कि आकलन किया जाएगा कि हार की वजह क्या रही है। ब्यूरो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18, इंदौर। तो ये लाइव रिएक्शन आप सुन रहे थे जीतू पटवारी का, और उनसे जो रिएक्शन आया उनका ये कहना है कि चुनाव है, हार जीत का सिलसिला चलता रहता है। अवंतिका, जीतू पटवारी ने अब वो बात अपनी बदल ली है, अब वो थोड़ा सॉफ्ट हो गए, 30 तारीख को बड़ा वो आक्रामक तरीके से बोल रहे थे कि चुनाव तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी।
एटीट्यूड मुझे लगता है आशीष आपको भी याद होगा, वही ओवर कॉन्फिडेंस जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मन में था और वही जीतू पटवारी के चेहरे पर भी नजर आ रहा था मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को लेकर। बड़ी बात यह भी है कि इससे पहले युवाओं पर केंद्र रहा, लेकिन अब राव से जब जीतू पटवारी हार गए, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार का सामना कर रही है, तब जाकर कह रही है कि बेरोजगारी की बात को लेकर अब उठेंगे। उससे पहले बहनों को 1500 रुपए देने की बात हो, सिलेंडर देने की बात हो, बेरोजगारी का जिक्र नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आपको हम बताएं कि पटवारी भर्ती घोटाला सामने आए, जीतू पटवारी इतनी प्रमुखता से आगे आए, ये लग रहा था कि जीतू पटवारी इस बार खेला कर देंगे, लेकिन असली खेला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता ने कर दिया है। राव से जीतू पटवारी हार चुके हैं, ये एक बड़ी अपडेट आपको दें। यहां पर अवधि का गौर करने वाली बात ये भी है, सिर्फ अगर हम बात करें जैसा कि जिक्र हम कांग्रेस का कर रहे थे, कांग्रेस में ही नहीं बड़े चेहरे बीजेपी में भी हारे हुए नजर आ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा की बात कर ले, इतना बड़ा चेहरा, इतने मुखर रहते हैं बयानों को लेकर के दतिया से, वो हालांकि पिछली बार की भी हमने सीट देखी थी, स्थिति देखी थी, रोक ना जाऊंगी। इसी बीच बड़ी 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 खबर पहले दर्शकों को बता दे, 157 वोट से चुनाव हारे हैं अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव, चुनाव हारे हैं, ये बड़ी अपडेट इस वक्त दर्शकों को दे रहे हैं। 157 वोट से चुनाव हारे हैं टीएस सिंहदेव, डेप्यूटी सीएम है और सीएम के रेस में भी लगातार चल रहे थे, और अब ये जो हार टीएस सिंहदेव के खाते में आई है कई सारे सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, बड़े चेहरों का जिक्र ऋतु कर रही हैं, 157 वोट से चुनाव हारे टीएस सिंहदेव, टीएस बाबा जो कि उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले ही, 3 से 4 महीने वो उप मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री बनने की राह पर वो चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार जनता ने उन्हें नकार दिया है और मात्र 157 वोटों से चुनाव हारे हैं टीएस सिंहदेव। एक ऐसा नेता कांग्रेस पार्टी में जो कि अपने सरल और सहज स्वभाव के लिए जाना जाता है, टीएस सिंहदेव, टीएस बाबा के नाम से भी उन्हें संबोधित करते हैं लोग, स्वास्थ्य मंत्रालय जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे और बाद में उन्हें उप मुख्यमंत्री तक बनाया गया, और अब टीएस सिंहदेव जो देख रहे थे रास्ता वो सीएम कार्यालय, सीएम आवास का देख रहे थे ऋतु, लेकिन वो चुनाव हार चुके हैं और यहां पर जो उम्मीद थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रतिक्रिया आई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर, उन्होंने लिखा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम ये बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में है, उनका भरोसा भारतीय जनता पार्टी में है, भाजपा पर अपना स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद बरसाने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट, ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और अब ये प्रतिक्रियाओं का दौर आगे जारी रहेगा। आपसे कुछ ही देर में ऋतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय भी पहुंचने वाले हैं, जहां जश्न की तस्वीरें, वहां पर खुशी का माहौल, जश्न की तस्वीरें अलग ही नजर आएंगे, खुशी से लबरेज सारे कार्यकर्ता नेता दिग्गज जो वहां पर पहुंचेंगे वो नजर आएंगे। और लगातार ये अपडेट्स तो हम आप तो आपको पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन ऋतु अभी तक जो अपडेट्स हमने दिए दर्शकों को उन्हें देखकर हम भी चौंक गए हैं। बड़े बड़े चेहरे हार गए, टीएस सिंहदेव चुनाव हार गए, जीतू पटवारी चुनाव हार गए और फग्गन सिंह कुलस्ते जैसा चेहरा जो कि केंद्र में मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालना था वो भी चुनाव हार गए। अपडेट्स का सिलसिला लगातार यहां जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक ऋतु हमें यहां पर लेना होगा।